इंदौर देखा जाए स्वच्छता में नंबर वन माना जाता है। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर में आए दिन कोई सेलिब्रिटी या राष्ट्रीय लेवल के आयोजन होते रहते हैं। ऐसा ही एक आयोजन निरंतर 3 वर्षों से इंदौर में आयोजित हो रहा है। यह आयोजन बड़ा उद्देश्य खेल भावना को मनोरंजन के साथ मिलाना है, जो क्रिएटर्स को क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को प्रदर्शित करते हुए अपने प्रशंसकों से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो वही ICCL इंदौर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग एक वार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें सेलिब्रिटी और प्रभावशाली लोग शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य खेल और स्वराज को बढ़ावा देना है। यह प्रशंसकों को क्रिकेट के खेल के माध्यम से अपने पसंदीदा सितारों से जुड़ने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। तो वही आयोजनकर्ता चीकू व्यास, ओ इंदौरी पंकज जोशी, व्यवस्था टीम यश कुमार सोनी, पंकज पाटिल, प्रकाश शर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में, शाहरुख भाई, सोनू बाबा, काजल हुसैन रिजवी, एसआई डॉक्टर तोसिफ खान पहुंचे। वहीं अतिथियों से केक कटवा कर स्वागत किया। देखिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, अच्छा एक माहौल है, यहाँ पर बहुत स्वस्थ माहौल है। यहाँ सब लोग और अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ एक इंजॉयमेंट है, थोड़ा सा नॉलेज शेयरिंग के साथ साथ में एक चिल डाउन भी होता है आदमी यहाँ पर, समझ में आता है। और बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं तो यही चाहता हूँ कि बीइंग अ पुलिसमैन डिसिप्लिन वाली बात करते हैं, तो सब लोग बहुत डिसिप्लिन है वैसे, देखते हैं हम लोग, सब लोगों को इन्फ्लुएंस होते हैं सब लोग। आजकल की जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी अपकमिंग बच्चे हैं, जो नया नया ऑफिसर बनने की ओर अग्रसर हैं, ICCL हर साल एक नया विशेष चीज लेकर आता है। ICCL इंदौर के और इंदौर से बाहर के दिल्ली, मुंबई, हर जगह के क्रिएटर्स को जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे के कंटेंट पहचानने का काम करता है, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम किससे क्या सीख सकते हैं। नए नए लोग मिलते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक दूसरे के कंटेंट जानने को मिलता है। तो ICCL का उद्देश्य यही रहता है कि अगर मेरे अंदर कुछ कमी है तो मैं किसी और के साथ मिलकर अपनी कमी पूरी करूं, अगर किसी और के अंदर कुछ कमी है तो उसकी कमी मैं पूरी करूं। तो ICCL तीसरा सीज़न हुआ है, चौथा सीज़न भी कुछ नया टॉपिक लेकर आएगा। अपनी लाइफ में शुरुआत में आपको बहुत संघर्ष रहा होगा, शुरुआत के संघर्ष क्या है थोड़ी सी आप जानकारी देंगे? शुरुआत में बहुत संघर्ष रहा था, 5-6 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था, मैं भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो इंडिया के बाहर के लोगों को देखता रहता था, तो उनसे मैंने सीखा है। और संघर्ष तो काफ़ी लोगों है, वैसे लोगों को बहुत पता है। और बाकी है सभी आपका भाई रॉबिन अग्रवाल, मुझे लोग गोइन गोरी के नाम से जानते हैं जी। ये ICCL का कौन सा सीज़न है और कहाँ कहाँ से यहाँ पर टीमों ने पार्टिसिपेट किया है? ये ICCL का 3rd सीज़न है और हमारे यहाँ MP मतलब सारे स्टेट से टीम है, जिसमें सब इन्फ्लुएंसर, सब कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर। अब तक का कौन सा मैच यहाँ पर रोमांचित रहा है जो सबको पसंद आया? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ICCL सीजन 3 दूसरा दिन। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए कमेंट्री को पॉज कर दिया जाए। आपका परिचय दे दीजिए। ओके, आशीष व्यास जी हूं, ICCL का ऑर्गेनाइजर हूं, हमारे साथ लोग हैं जो इसको ICCL बहुत अच्छो है और खुशी की बात है इंदौर का लोग उनके लिए कि इंदौर में क्रिकेट हो रही हो, और इंदौर में बहुत सारा क्रिएटर है तो उनके लिए भी अच्छी बात है, और यहाँ पे जितना भी लोग हैं उनके लिए भी कि हाँ चलो इंदौर में एक क्रिकेट हो रही हो, और जिसके बाद में सारा क्रिएटर सब मिलजुल के आपस में क्रिकेट खेले, मतलब भाईचारा है, जहाँ भी जब कहीं भी काम की ज़रूरत पड़े तो सारा एक साथ इकट्ठा हो जाए, ऐसा नहीं कि एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा, सब मिलजुल के काम करें, मिलजुल के आगे बढ़े। और मैं भी खेल तो पर कोई प्रोजेक्ट की वजह से कारण मैं थोड़ा सा नहीं खेल पायो, बहुत दुख तो है कि नहीं खेल पायो, पर अगली बार ज़रूर खेलूँगा और हर साल ऐसा ही होते रहे। और बस आज आप YouTube पे वीडियो बनाते, अपलोड करते हो और बहुत फॉलोअर्स है आपके,
आज की युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ बहुत बढ़ रही है, उसके लेके आप विशेष रूप से क्या कह रहे हैं? अब माहौल, आसपास को माहौल ही निर्धारित करे कि वो बच्चा बच्ची मतलब किन दिशा में जाए, उनके आसपास को माहौल सही रहेगा, घर परिवार को माहौल सही रहेगा तो मैं नहीं लगे कि वे गलत दिशा में जाएगा, क्योंकि मम्मी पापा और आसपास जितना भी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी रहे उन्हें समझाने की, उनसे बातचीत करो कि ऐसे ऐसे, जब तक इन चीज़ों के बारे में वे सुनेगा नहीं समझेगा नहीं तब तक वो मतलब कैसे उन चीज़ के बारे में जागरूक होगा। अभी कोई भी व्यक्ति है कई की भी चीज़ की जानकारी नहीं है, तो वाके सामने जो भी आ गो वो सही है, पर वह चीज़ के लिए वाके पास जानकारी है तो वो समझ जाएगा कि ये गलत है कि सही है, तो उन्हें समझाइश की और उनके आसपास को माहौल और ये जानकारी को अभाव बहुत ज़रूरी है। उनके पास जो भी लोग हैं वो अपने बच्चा बच्ची इनसे बात करना चाहिए, समझाना चाहिए, आसपास की दुनिया और माहौल के बारे में जानकारी देना चाहिए। मतलब मैं धर्मेंद्र बिलोटिया और मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नरसिंहगढ़ तहसील के पास गांव है ग्राम गादिया, वहां से मैं हूं, और बहुत अच्छा लगे कि मैं मध्य प्रदेश में हूं, क्योंकि मैं आसपास और सभी जगह जाके आयो, तो सबसे साफ़ सुथरों और यहां का लोग सबसे प्यारा है वो मध्य प्रदेश।